आखिर कुछ भारतीय गाड़ियों की नंबर प्लेट कुछ ऐसी अजीब सी क्यों होती है, और एक ऐसा रोबोट जिसने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देख आप भी आग बबूला जरूर हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर जिम जाकर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ही आजकल हार्ट अटैक ज्यादा क्यों आता है? तो गाइस अगर आप भी अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस आपने भी रोबोट मूवी में चिट्टी रोबोट को बहुरानी के पीछे बावला होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या वास्तव में एक रोबोट में ऐसा खोट हो सकता है? एक्चुअली में उसका आंसर है जी हाँ। असल में अभी हाल ही में जब सऊदी अरेबिया में एक AI रोबोट शो में एक नए ह्यूमनॉइड रोबोट को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया तो उस रोबोट ने सबके सामने कुछ इस तरीके से टीवी एंकर को गलत तरीके से टच कर दिया। अब क्योंकि इस काम के चलते हुए उस रोबोट की रेल नहीं बनाई जा सकती थी तो अब ये पूरी दुनिया में एक डिबेट का नया टॉपिक बन चुका है, क्योंकि इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी ने साफ तौर से ये कह दिया है कि भैया हमने इस रोबोट को इस तरीके से प्रोग्राम किया ही नहीं था, इसने खुद ही अपने आसपास के माहौल को देखकर इस चीज को डेवलप कर लिया है। एक मिनट, ये रोबोट दुबई का है? हाँ। ये आसपास की चीजों को देखकर खुद से ही सीख जाता है? अरे हाँ भाई हाँ। मतलब इस हिसाब से तो लड़के भी सेफ ना है वहाँ पे। गाइस एक बार को तो टाइगर भैया श्रद्धा के सामने माहौल खराब करना भूल सकते हैं, भाईजान फार्म हाउस जाना भूल सकते हैं और एल्विश लड़ना भूल सकता है, तो ये तब भी दिल पर पत्थर रखकर हम सारी चीजों को डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम कराना ही भूल जाए तो इस चीज को देश डाइजेस्ट कर कैसे गया? असल में गाइस ये उच्च कोटि का कांड हुआ है जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में, जहां पर डेट शीट और यहां तक कि बच्चों को एडमिट कार्ड इशू करने के बाद वहां के प्रोफेसर MSc कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराना और एग्जाम कराना ही भूल गए। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि जब बच्चे दूर दूर से टाइम टेबल के हिसाब से सेंटर पर एग्जाम देना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके प्यारी गुरुजी तो एग्जाम पेपर प्रिंट कराना ही भूल चुके हैं, जिसके चलते हुए उन सभी के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि बहुत ही जल्द दोबारा से ये एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर मार्केट में ऐसा कौन सा नया नशा आ गया जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें भूल रहे हैं। गाइस हर एक भारतीय पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि जो काम वो खुद नहीं कर पाए वो एटलीस्ट वो काम उनके बच्चे करके दिखाएं, और उसी की तरह क्या आपको पता है कि जो काम हमारे प्यारे जेठालाल भैया नहीं कर पाए उनके बेटे टप्पू ने करके दिखाया है। असल में गाइस अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ये न्यूज बहुत बड़े स्केल में वायरल हो रही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कास्ट मुनमुन दत्ता यानी कि बबीता जी ने इसी शो में टप्पू का रोल प्ले करने वाले राज अनाकट से एंगेजमेंट कर ली है। हालांकि अभी तक जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बहुत सी न्यूज एजेंसीज इसको सच बता रही हैं और बहुत सी इसको झूठ। हालांकि क्या सच है या फिर क्या झूठ ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन शॉर्ट अगर ये सच है तो भैया जेठालाल का तो बहुत गंदा मोए मोए हो गया। गाइस आपने भी X-Men सीरीज तो जरूर देखी होगी जिसमें भांति भांति के आड़े तिरछे सुपर पावर वाले म्यूटेंट्स को दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हकीकत में भी हमारी दुनिया में कुछ सुपर पावर वाले म्यूटेंट्स हकीकत में मौजूद हैं? असल में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी कुछ इस तरीके से अपने हाथों को पूरे ही तरीके से बैकवर्ड शिफ्ट करके सामान को आसानी से कैरी कर लेती है, जिसे देखने के बाद ये चीज लोगों को यूट्यूब पर आए दिन होने वाली कॉन्ट्रोवर्सीज की तरह लग रही है, बोले तो पूरे तरीके से फेक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज फेक बिल्कुल भी नहीं है। असल में गाइस इस दुनिया में जॉइंट हाइपर मोबिलिटी या फिर डबल जॉइंटेड नाम की एक ऐसी रेयर बीमारी भी मौजूद है जिसमें किसी भी इंसान की हड्डियां और उसके जॉइंट्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके चलते हुए वो कुछ इस तरीके से सस्ते स्पाइडरमैन की तरह चीजों को आसानी से उल्टी तरफ से भी उठा सकते हैं और अपने शरीर की हर एक अंग की खुजली हर एक एंगल से इन्हीं उंगलियों से मिटा भी सकते हैं। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हम इंडियंस में उन लोगों में हार्ट अटैक काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है जो कि डेली बेसिस पर जिम में जाकर अलग अलग तरीके की मशीनें हिला देते हैं, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर वर्कआउट करने से हम इंडियंस को हार्ट अटैक बढ़ ही क्यों रहा है? असल में कैसे आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इंडियन यूथ में हार्ट अटैक जिम जाने की वजह से नहीं बल्कि जिम में मिलने वाले जिंदा आटा प्रोटीन की वजह से बढ़ रहा है। असल में कैसे अभी हाल ही में नेचर मेटाबॉलिज्म नाम की स्टडी से बात पूरी तरीके से क्लियर हुई है कि अगर एक इंसान पूरे ही दिन में रिक्वायर्ड प्रोटीन का सिर्फ 22% ही अगर इन तरीके के पाउडर से कंज्यूम करता है तो ये आपकी बॉडी में एमिनो एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और एज अ रिजल्ट आपकी कोमल कोमल नसें पूरे तरीके से ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि अब आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे होते हैं और हमारी बॉडी में प्रोटीन को स्टोर करने का कोई फंक्शन होता ही नहीं है तो हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू एक्सेस प्रोटीन को बाहर निकाल देती है, जिसके चलते हुए लॉन्ग टर्म में अगर आप अननेसेसरी डब्बे वाला प्रोटीन खाते हुए ही चले जाते हैं तो ये चीज ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि किडनी को भी बुरे तरीके से डैमेज कर देती है। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज अपने डोले चोले बनाने के लिए जितने प्रोटीन की एक्चुअली में आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने को ही कंज्यूम करें। किसी भी घोड़ा छाप ट्रेनर के कहने पर 2 स्कूप या 4 स्कूप एवं खाना
शुरू ना करें। गाइस क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फिटनेस बिल्कुल ही UK07 राइडर भैया की किस्मत की तरह है। मेरा भाई बिग बॉस में पॉपुलैरिटी बढ़ाने गया था, उल्टा घटाकर आ गया। मेरे भाई ने एल्विच और मैक्सटन के बीच की लड़ाई का व्लॉग अपलोड किया, 5 मिनट पहले लड़ाई ही सुलझ गई। अब देखो गाइस ऐसा है कि यूके भैया की किस्मत का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फिटनेस को अब सुधारेगी वहां की आर्मी। असल में गाइस अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि क्योंकि उनके प्लेयर्स फ्री की बिरयानी और रायता देखकर काफी ज्यादा बौखला जाते हैं, तो इनकी फिटनेस भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने और T20 में शानदार परफॉर्म करने के लिए इन सभी प्लेयर्स को 10 दिन के लिए पाकिस्तानी आर्मी के अंडर ट्रेनिंग करने भेजा जाएगा, ताकि वहां से वापस आकर ये ग्राउंड पर रौले ही काट दें। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि इन प्लेयर्स को फिट करने वाली आर्मी को फिट कौन करेगा? क्या मतलब कि इस काम में भी पापा हाथ बटाएंगे? गाइस क्या आपको पता है कि एल्विश का कंट्रोवर्सी से ठीक वही रिश्ता है जो कि हम लड़कों का बेइज्जती से होता है। भैया घर वाले कोई मौका ना छोड़ते बेइज्जत करने का। और उसी की तर्ज पर जब अभी हाल ही में यादव साहब ने मैक्सटन की गुत्तम गुथाई की थी और वो चीज 2 मिनट मैगी नूडल की तरह अगले दिन सॉल्व भी हो गई, तो बहुत से लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली कहानी तो अब किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ चुकी है। असल में गाइस अभी हाल ही में पीपल फॉर एनिमल संस्था से जुड़े गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव पर ये आरोप लगाते हुए FIR को दर्ज कराया है कि एल्विश ने उन्हें घर से उठाने और दुनिया से उठाने की धमकी दी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गौरव गुप्ता वही है जिन्होंने पिछले साल एल्विश और सांप के बीच के गहरे संबंधों को दुनिया के सामने उजागर किया था। लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या सिस्टम की आड़ में किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर लोगों को थपड़िया देना, यूट्यूबर्स की गुत्तम गुथाई करना या अधिकारियों को घर से उठाने की प्यारी प्यारी बातें करना, क्या ये सब एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं? वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में इंडिया में जीपे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसके चलते हुए हर एक गली नुक्कड़ पर जीपे इंडिया में भर भर के होता है, और यहां पर जीपे से मेरा मतलब गूगल पे है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब बहुत ही जल्द गूगल अपनी इस गूगल पे सर्विस को बंद करने वाला है। असल में गाइस अभी हाल ही में गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो 4 जून के बाद से गूगल पे पर काफी मोटा ताला लगाने वाले हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है वीरो, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ USA में ही होगी, और इंडिया और सिंगापुर में गूगल पे ठीक वैसे ही चलता रहेगा जैसे आज से पहले धड़ल्ले से चलता है। असल में गाइस क्योंकि गूगल पे की पॉपुलैरिटी USA में ठीक KRK की तरह ही हो गई थी, तो ये चीज अब गूगल को घाटा देने लगी थी, जिसके चलते हुए अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए गूगल को ना चाहते हुए भी USA में गूगल पे पर ऑफिशियली बंद करके ताला लगाना पड़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में अब अगर आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा है कि इंडिया में भी ये चीज होने वाली है, तो गाइज ऐसा इंडिया में नहीं होने वाला। इंडिया में कब गूगल पे बंद होगा ये नहीं पता, जब होगा बता देंगे। कौन सा भागे जा रहे हैं हम कहीं? गाइस क्या आपको पता है कि अब हम सबके भी मामा अपने आप को कतई फिट दिखाने के लिए हाई लेवल की डाइटिंग करना शुरू कर चुके हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मून एक अंगूर की तरह टाइम टू टाइम सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है, और इसका सर्कमफेरेंस शुरुआती दौर से लगभग 160 फीट से भी ज्यादा छोटा हो चुका है। अब ऐसा क्यों है चलिए बताता हूँ। असल में गाइस जब मून का फॉर्मेशन हुआ था तो वो काफी ज्यादा गर्म था, तब से लेकर आज तक मून ठंडा होने की प्रोसेस से ही गुजर रहा है, जिसके चलते हुए जब मून का कुछ एरिया ठंडा हो जाता है तो उसके सरफेस पर बड़ी बड़ी दरारें जनरेट हो जाती हैं, जिसके चक्कर में मून पर मून क्वेक भी काफी ज्यादा आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे ही प्रोसेस में मून का सर्कमफेरेंस भी तेजी के साथ सिकुड़ रहा है, और अगर ऐसा ही आगे आने वाले समय तक होता ही चला गया तो आगे आने वाले कई सौ सालों के बाद हमारी अर्थ पर हाई टाइड हमें देखने को मिलेगी ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी वजह से क्योंकि हमारा टिल्ट एक्सिस भी चेंज होगा, तो अर्थ पर सभी उन जगहों पर जहां पर मीडियम समर और मीडियम विंटर आता है, वहां पर एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर होने लगेगा, जो चीज काफी ज्यादा खतरनाक होगी। गाइस अभी तक तो आपने इंसानों की एक से एक सटीक ज़ेरॉक्स कॉपी आइडेंटिकल ट्विंस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे सटीक आइडेंटिकल ट्विंस को देखा है? मिली एना एंड ल्यूसी डिसएनक्यू से, जिन्हें की मोस्ट आइडेंटिकल ट्विंस इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इनका चेहरा और बॉडी इतनी ज्यादा मिलती है कि दूसरे लोगों को तो छोड़िए, कभी कभी खुद एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज आ जाती है। अब गाइस इन्हें देखने के बाद आपको भी ये लग रहा होगा कि इनके जो हस्बैंड होंगे उन बेचारों को तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, तो भैया कंफ्यूजन क्या गुइया के खेत में है, क्योंकि इन दोनों का हस्बैंड ही एक है, तो कंफ्यूजन का है बात का, ये चल क्या रहा है दुनिया में? गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में अंधेरे में जाने में या फिर किसी अननोन जगह पे जाने में थोड़ा सा सहमती हैं। डरपोक बोल नहीं सकता, वरना महिला मोर्चा वाली पता नहीं मेरे शरीर के कहां-कहां अंगों में तलवार घुसेड़ देगी।
तो गाइज इस सिचुएशन में क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है? असल में रिसेंट स्टडीज ये बात पूरी तरीके से प्रूफ कर चुकी है कि लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा अजीब और डरावने सपने आते हैं। अब एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर से ही उनका ब्रेन उन्हें कुछ इस तरीके के सपने दिखाता है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में हल्की सी ऐसी जगह जाने से हिचकती हैं। लेकिन वही बात अगर लड़कों की जाए तो भैया आए दिन ऐसे सीन तो हमें हमारे देश भारत में ही देखने को मिलते हैं। गाइज क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश में बेहद ही कम होंगे चीटर्स, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाएंगे इस देश में AI टीचर्स। मिलिए आयरिस से, जो कि भारत की सबसे पहली AI जनरेटेड टीचर ह्यूमनॉइड है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इनके अंदर जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके पास बच्चों के सभी क्वेश्चंस के एक ही झटके में आंसर तक मौजूद हैं। और ये भी सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अक्सर ये वो क्वेश्चंस जिनका आंसर देने में पढ़े लिखे टीचरों के भी पसीने छूट जाते हैं, उन सब के भी आंसर्स ये रोबोट बेहद ही आसानी से बच्चों को समझा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अभी ट्रायल फेज में आयरिस को केरला के सिर्फ एक ही स्कूल के अंदर अपॉइंट किया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इस रोबोट ने हर एक बच्चे को कतई आइंस्टीन बना दिया तो इस तरीके के रोबोट आपको हर एक स्टेट के हर एक स्कूल में देखने को जरूर मिलेंगे। सच में दमदार। आखिर कुछ भारतीय गाड़ियों की नंबर प्लेट कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा अलग सीरीज की क्यों होती है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि बात अगर नॉर्मल व्हीकल्स की जाए तो उनकी नंबर प्लेट के ऊपर हमें सबसे पहले तो स्टेट कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड और फिर मैन्युफैक्चरिंग कोड देखने के बाद चार डिजिट का एक नंबर देखने को मिलता है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की कुछ व्हीकल्स की जाए तो उनकी नंबर प्लेट हमें कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा अलग सी देखने को मिलती है। तो फिर अगर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर कुछ व्हीकल्स को ऐसी नंबर प्लेट दी ही क्यों जाती है और एक्चुअली में इस नंबर प्लेट का मतलब क्या होता है? असल में गाइस इन तरीके की नंबर प्लेट्स को BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज नंबर प्लेट्स के नाम से जाना जाता है, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांसपोर्ट कार्स को ही दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दी जाती है जिनका कि यूज कमर्शियल पर्पस से नहीं किया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन तरीके की नंबर प्लेट सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल होती है जो या तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय हो जिस कंपनी के ऑफिसेज एटलीस्ट चार अलग अलग स्टेट्स या फिर यूटीज में मौजूद हो। अब अगर सारे ही ये क्राइटेरिया एक इंसान फुलफिल कर देता है तो वो RTO में एप्लीकेशन को डालकर कुछ इस तरीके की अलग और यूनिक नंबर प्लेट सीरीज को ले सकता है। तो फिर अब यहां पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि फिर इन नंबर प्लेट्स का आखिर बेनिफिट होता ही क्या है? असल में गाइस इन तरीके के नंबर प्लेट्स के दो सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये नंबर प्लेट हर एक स्टेट में वैलिड होती है, क्योंकि नॉर्मली जो नंबर प्लेट्स होती हैं बहुत से स्टेट में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपको उस स्टेट की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी के ऊपर लगानी होती है, लेकिन इन तरीके की नंबर प्लेट्स के साथ ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती। दूसरा, अगर आप इन तरीके की नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई करते हैं और सारे ही क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाते हैं तो आपसे रोड टैक्स नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम लिया जाता है। और यही वो दो सबसे बड़े रीजन है जिसके चलते हुए को अब इंडिया के अंदर इन तरीके की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। वैसे क्या आपने अपनी सिटी के भी अंदर इन तरीके की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को देखा है या फिर नहीं, पूरे ही दुनिया के साथ अपने कमेंट्स को शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ध्यान से लाइक कर देना। इन तरीके के फैक्ट्स बताने भैया मेरे पसीने छूट जाते हैं। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूं, तो ज्वाइन कर लो आके देख लो। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इन तरीके के फैक्ट्स और ज्यादा देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हां, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।